हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल के सेमेस्टर वन के एग्जामिनेशन होने वाले हैं फरवरी मार्च 2023 में। तो DU सोल ने जो अपनी मार्किंग स्कीम है उसे चेंज कर दिया है। मार्किंग स्कीम से क्या मतलब है, जो पेपर आपका अभी तक 100 नंबर का आता था, अब वो 100 नंबर का एग्ज़ाम नहीं होगा आपका। अब आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कितने मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो वीडियो को आप लोग कहीं पर भी स्किप ना करें। अगर आपने कोई पार्ट स्किप कर दिया तो आपको डाउट रह जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपकी जो एग्जिस्टिंग स्कीम है उसमें टोटल मार्क्स का पेपर होता था। आपका टोटल मार्क्स लगते थे, जो मार्कशीट में मार्क्स दिखते थे 100 में से, जिसमें से थ्योरी का एग्ज़ाम होता था आपका 75 मार्क्स का, और इंटरनल असेसमेंट होते थे जिन्हें आप असाइनमेंट कह सकते हैं, वो होते थे 25 मार्क्स के। ये तो होगी आपकी एग्जिस्टिंग स्कीम। इसमें पास होने के लिए आपको 40% मार्क्स चाहिए थे। मतलब अगर आप थ्योरी एग्ज़ाम का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको पास होने के लिए 40% मतलब 30 मार्क्स लाने पड़ते थे। इंटरनल असेसमेंट अगर आप दे रहे हैं तो इसमें अब आपको पास होने के लिए कितने, लगभग 10 मार्क्स लाने पड़ते थे। 75 का 40% हो जाता है 30 मार्क्स आपका, और 25 का 40% हो जाता है 10 मार्क्स दोनों। अगर आपको ओवरऑल पास होना है तो आपको थ्योरी में भी पास होना पड़ता था और इंटरनल असेसमेंट में भी पास होना पड़ता था। मतलब थ्योरी में अलग 40% और इंटरनल में असेसमेंट में अलग 40% मार्क्स लाने पड़ते थे। ये थी आपकी एग्जिस्टिंग स्कीम। अब बात करते हैं न्यू स्कीम के बारे में। तो न्यू स्कीम में आपके जो टोटल मार्क्स होंगे वो होगा 160 मार्क्स का पेपर आपका, ठीक है, 160 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका। उसमें से आपका जो थ्योरी एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है 90 मार्क्स का, और इंटरनल असेसमेंट जो आपके MCQ बेस्ड होने वाले हैं इस बार, वो होने वाला है 70 मार्क्स का, ठीक है। ये तो हो गए आपके कितने कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है। अब हम देख लेते हैं कि इसके पास होने के लिए कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। तो देखिए, इस न्यू स्कीम में भी आपको पास होने के लिए 40% इन ईच, मतलब थ्योरी में भी आपको 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे, इंटरनल असेसमेंट में भी आपको 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। अब 40% होता कितना है, तो थ्योरी का एग्जाम जैसा कि आपका 90 मार्क्स का होने वाला है तो उसमें पास होने के लिए आपको 36 मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही इंटरनल असेसमेंट आपका 70 मार्क्स का है तो उसमें पास होने के लिए आपको मिनिमम 28 मार्क्स लाने ही लाने हैं, वरना आप फेल हो जाएंगे और आपका ओवरऑल रिजल्ट भी फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यू स्कीम के बारे में, कंप्लीट डिटेल मैंने आपको दे दिया। अगर आपको अभी इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी आगे के कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।